अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन का बर्बादी वाला बयान उस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। अलीगढ़ पुलिस ने फैजुल हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कभी कोशिश नहीं किया कि हिंदुस्तान टूट जाए, वरना रोक नहीं देंगे। हम लोग कौन से हैं, अगर हम बर्बाद करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे, इतना गुस्सा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन अपने बयान पर घिर गए। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे फैजुल हसन ने बर्बाद करने वाला बयान दिया तो बवाल शुरू हो गया, जिसके बाद अलीगढ़ पुलिस भी तुरंत हरकत में आई और एएमयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ये देखिए, एएमयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जो है फैजुल हसन है, उसके द्वारा एक अभी वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कुछ स्टेटमेंट्स दे रहा है, उसी पे जो है मामले को हम लोगों ने संज्ञान में लिया और सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में जो है उसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब फैजुल हसन पर शिकंजा कसने लगा तो वो सफाई देने सामने आए। फैजुल हसन ने अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया, साथ ही ये भी बताया कि वो कहना क्या चाहते थे, लेकिन जब उनसे माफी मांगने की बात पूछी गई तो उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। लोगों को ये लग रहा है कि वो अपने देश के लिए बोला गया, एक लाइन का जवाब है, वीर अब्दुल हमीद ने 22 टैंकर पाकिस्तान के शहीद किए थे अकेले। अगर अमित शाह और मोदी ने मोहब्बत दिखाई होती है, 22 करोड़ मुसलमान अगर उनके साथ होता तो कोई भी देश इनकी तरफ आंख नहीं उठा करके देख पाता, पूरे देश खत्म कर देते। हिंदुस्तान के वो बाशिंदे हैं हम लोग, कि हम लोग अगर आगे आ गए और मोहब्बत हमारी मोहब्बत में अभी भी कमी नहीं अपने देश के लिए, हमें अपने सरकार पे कमी नहीं है मोहब्बत, लेकिन वो कम से कम दिखाएं, नफरत ना बोए, बंटवारा ना करें। कोई भी देश अगर हमला करता है तो सबसे पहले शील्ड मुसलमान बन जाएगा उनका। तो भले ही फैजुल हसन अब कुछ भी कहें, लेकिन उनके बर्बादी वाले बयान पर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। फिलहाल फैजुल के वायरल हो रहे वीडियो की जांच पुलिस ने शुरू कर दी, साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। कभी कोशिश नहीं किया कि हिंदुस्तान टूट जाए, ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बर्बाद करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।